आज हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में जानेंगे जो कभी भी फेल नहीं होती है, यानी कि इसका एक्यूरेसी मोर देन 90% रहती है। तो इस स्ट्रेटेजी में हम जिन जिन दो तीन टूल्स का यूज करेंगे उनको आप ध्यान से देखिएगा और उनकी सेटिंग को भी आप इसी तरह से साथ में करते जाएं। चाहे तो वीडियो को देखकर भी पॉज करके आप अपने लैपटॉप स्क्रीन पर इंडिकेटर्स की या इस स्ट्रेटेजी की पूरी सेटिंग को अपने स्क्रीन पर लागू कर दें। उसके बाद इसको आज के आज ही ट्रेड में कन्वर्ट ना करें, एक दो दिन पहले इस स्ट्रेटेजी को बात करें कि कौन से टाइम फ्रेम पे यह स्ट्रेटेजी सही वर्क करती है, 5 मिनट या 15 मिनट, क्योंकि हर एक ट्रेडर्स का स्टॉक या फ्यूचर में अलग अलग सेगमेंट में ट्रेड करता है। तो हर स्ट्रेटेजी हर एक स्टॉक पे एक समान काम नहीं करती है। कुछ स्ट्रेटेजीज में कुछ टाइम ड्यूरेशन का अंतर होता है। मान लीजिए निफ्टी पे कोई स्ट्रेटेजी 5 मिनट में अच्छे रिजल्ट देती है और उसी तरह रिलायंस पर मान लो 10-15 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई अच्छे रिजल्ट देती है। तो उसी प्रकार अपने अकॉर्डिंगली इस स्ट्रेटेजी को एक दो दिन वॉच करें, उसके बाद देखें कि कहाँ पे हमें इससे सही ट्रेड मिल सकता है। मैंने इस पे लास्ट वीक कई सारे ट्रेड करके देखे जिसमें से मुझे मोर देन 80-90% इसकी एक्यूरेसी समझ में आई और मैंने अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी इसका यूज किया, 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक इंट्राडे चार्ट्स पे, डेली चार्ट्स पे भी हमने इसको अप्लाई करके देखा, तब भी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। इंडिकेटर द्वारा लगातार हायर हाई के सिग्नल दिए जा रहे हैं और नीचे जो इंडिकेटर है ये भी शो कर रहा है कि नीचे से पोजीशन इसकी ओवरबोट हो चुकी है। तो यहाँ पे कई ट्रेडर्स इसमें बाइंग कर लेते हैं और यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, जबकि यहाँ से एक ये दोनों इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन ये शो कर रहा है कि यहाँ से प्राइस में एक गिरावट हो सकती है। जैसे देखिए ये एक ओवरबोट हो चुका है और ऊपर में जो हायर हाई कैंडल लगी है उसके बाद अगली जो नेक्स्ट कैंडल बनी है वो लगातार उसके नीचे की तरफ शो कर रही है। तो यहाँ पे हमको एक सेल ट्रेड लेना है, ना कि एक बाय ट्रेड लेना है, और इसका स्टॉप लॉस बहुत ही मिनिमाइज हो जाएगा, जो प्रीवियस हाईज हैं उनके ऊपर ही रखना है। तो प्रीवियस हाई की कैंडल अगली कैंडल पे हमको शॉर्ट पोजीशन लेनी है और उसके ऊपर का स्टॉप लॉस रखना है। देखिए कितनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है केवल कुछ ही समय के अंदर। तो इसी तरह हमें इन दोनों इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन से ये सेटिंग करना है कि कहाँ पे हमें एग्जैक्टली बाय या शॉर्ट करना है। जैसे अब इस पॉइंट पे देखिए ये ओवरसोल्ड जोन नज़र आ रहा है यहाँ पे, यानी कि इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन बन चुकी है, यहाँ से एक बाउंस बैक की उम्मीद की जा सकती है। तो देखिए जैसे ही इस पॉइंट के ऊपर से हम एक बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं जो हमें ईजीली 1-2% के टारगेट दे सकता है। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटे रखने हैं, उसके कंपैरिजन में हमें 1:2 का कम से कम रिस्क रिवार्ड रेशियो से टारगेट को लेना है कि जब ये नीचे वाला इंडिकेटर ओवरसोल्ड जोन को दिखा रहा है और ऊपर में एक ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो गई है तो हम यहाँ पे सपोज बाइंग की पोजीशन लेते तो देखिए ऊपर में एक हायर हाई की कैंडल बनी, उसके बाद एक तीसरे इंडिकेटर द्वारा भी एक बाइंग का सिग्नल जनरेट हुआ, यानी कि हमने पहले ही इस ट्रेड को पकड़ लिया है और जैसे ही ऊपर आना हुआ हम अपने स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे जहाँ पे ये सिग्नल बनना शुरू हुआ है। अब देखिए कितने बड़े टारगेट है हमें इस बाइंग के ट्रेड में देखने को मिले हैं, क्योंकि हमने प्राइस के मूवमेंट से पहले ही ये ट्रेड अपने लिए सिलेक्ट कर लिया था इन इंडिकेटर की हेल्प से। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, और अगर जानकारी अच्छी ना लगे तो आपको पता है क्या करना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन अनदर न्यू एंड फ्रेश वीडियो ऑफ ग्रो विद मनी। तो चलिए देखते हैं कंप्लीट स्ट्रेटेजी। तो हम चलिए स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर गूगल की साइट ओपन करना और यहाँ लिखना है ट्रेडिंग व्यू चार्ट, इस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद पहली साइट ओपन होगी, इस पर क्लिक करते ही हमारी ट्रेडिंग व्यू की साइट ओपन हो जाएगी। ट्रेडिंग व्यू चार्ट के रूप में देखिए हमारा चार्ट ओपन हो जाएगा। अब देखिए हम अपना इस पर पहला इंडिकेटर ऐड करेंगे, इंडिकेटर्स और लिखेंगे RSI रिलेटिव इंडेक्स, ये हमारा पहला इंडिकेटर ऐड हो गया। अब इसकी सेटिंग चेंज कर देंगे, सेटिंग पे जाके क्विकली अपर और ये रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पे कलर
क्योंकि ओवरबोर्ड जोन के लिए ग्रीन लाइन और नीचे वाली रेड ओवरसोल्ड जोन के लिए ओके ये परफेक्टली सेटिंग हो चुकी है हमारे RSI की। उसके बाद हम अपना दूसरा इंडिकेटर ऐड करेंगे आज का, यहाँ पे लिखेंगे हायर हाई लोअर लो, पहले नंबर पे आ गया है ये हमारा ऐड होगा हायर लोअर लो स्ट्रेटेजी। उसके बाद देखेंगे हायर हाई लोअर लो को रहने देंगे, यहाँ पे इन सबको रिमूव कर देंगे। ये हमारा दूसरा इंडिकेटर भी परफेक्ट ऐड हो गया है। और उसके बाद हम अपना तीसरा इंडिकेटर ऐड करेंगे आज का, एंगल्फिंग कैंडल। ये देखिए ये आ गया है एंगल्फिंग कैंडल इंडिकेटर, इस पर क्लिक कर देंगे। ओके ये हमारे तीनों इंडिकेटर परफेक्टली ऐड हो चुके हैं। अब इसमें ट्रेड किस तरह से लेना है वो हम देखते हैं। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। अब हम इस पर ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी सीखने वाले हैं कि हमें किस तरह से ट्रेड लेना है। पुलबैक ट्रेड्स को हम इस तरह देखेंगे। सबसे पहले हम अपने नीचे का RSI इंडिकेटर है इस पर देखेंगे, एक ओवरसोल्ड जोन से रिवर्स हो रहा है। देखिए यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन में आ गया है, यानी 30 RSI लेवल 30 के नीचे 30 के आसपास है। उसके बाद देखिए ये इसमें ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाई दे रहा है, एंगल पिन इंडिकेटर द्वारा भी बाय की एक कैंडल बनी है। उसके बाद देखेंगे जब देखिए इस इंडिकेटर द्वारा लोअर लो से हायर हाई कैंडल के बीच में हम एक फिबोनाची रिस्ट्रेटमेंट डालेंगे, लोअर लो से हायर हाई के बीच में। अब देखिए फिबोनाची की सेटिंग में हमें ये चीज ध्यान रखना है कि केवल ये चार चीज रहे, 0.382 0.618 और 1, बाद बाकी सबको हम रिमूव कर देंगे, हमें उनकी जरूरत नहीं है। ये सेटिंग चेंज करने के बाद अब देखेंगे ये जो फिबोनाची का पहला लेवल है 0.382, यहाँ से प्राइस ने ये एक रिजेक्शन शो किया है, यानी इसके नीचे नहीं आया है। इसका मतलब यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है और यहाँ से एक ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। तो यहाँ पे हम एक बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं, एक लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे लेंगे। स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखना है, करंट स्विंग लो के तुरंत नीचे, और टारगेट प्राइस हमको बस 1:2, देखिए 1:2 हो चुका है, चाहें तो इसको और बढ़ा भी सकते हैं, 1:2.5 1:3 तक का भी टारगेट रख सकते हैं। अब देखिए 750 रुपीज़ का स्टॉप लॉस और 1700 रुपीज़ का टारगेट। अब देखते हैं इस ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस बहुत छोटे छोटे रखना है, लेकिन टारगेट हमें बड़े देखने को दिखाई देंगे। अब देखें अगर इसकी बात करें इस ट्रेड पे हमें, देखिए मार्केट ने हमारे टारगेट को कम्प्लीटली यहाँ पे हिट कर दिया है। तो हमने एक लॉन्ग ट्रेड देखा, और भी लॉन्ग और शॉर्ट ट्रेड देखने वाले हैं आगे हम, जिससे कम्प्लीट स्ट्रेटेजी समझ में आ सके। अब देखिए यहाँ पे हमें लोअर लो की कैंडल दिखाई दी, पहला इंडिकेटर जो हमारा हायर हाई लोअर लो स्ट्रेटेजी का है उसने लोअर लो कैंडल दिखाई दी। और दूसरा ये जो RSI इंडिकेटर है ये ओवरसोल्ड जोन में है और ओवरसोल्ड से एक रिवर्स हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे। और कहाँ पे करना है, ये एंगल फिन जो कैंडल इंडिकेटर है इसने ये जो बाइंग की कैंडल शो की हमको यहाँ पे ये वाली कैंडल, हमें यहाँ के बजाय इस कैंडल पे एक लॉन्ग पोजीशन लेने की कोशिश करेंगे। और जैसे सपोज दैट हम यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन लेंगे देखिए, और स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे रख देंगे, और टारगेट 1:2 मिनिमम। और जैसे ही हमारा प्राइस इसके ऊपर निकलेगा 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तो हमारा टारगेट प्राइस बाइंग जोन पे ही ले आ जाना है हमको। अब देखिए मार्केट ने हमारे टारगेट को यहाँ पे कम्प्लीटली हिट कर दिया है इस पॉइंट पे, लेकिन अभी हमें पोजीशन से एग्जिट नहीं होना है, और अपने जो स्टॉप लॉस लगाया था हमने यहाँ पे इसको अपने प्राइस पे ले आना है और इस ट्रेड को राइड करना है आगे के लिए। अब देखिए किस तरह से हम इस ट्रेड में मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हैं इस एक ही ट्रेड में। अब देखिए यहाँ पर एक हायर हाई कैंडल बन चुकी है, अब हम इसका क्या करेंगे, इस पर वही स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे, फिबोनाची डालेंगे लोअर लो से हायर हाई की तरफ, हायर हाई कैंडल पे। देखिए या तो प्राइस अगर एग्जिट हो गए हैं तो इस प्राइस के नजदीक कहीं पे मिलेगा हमको 0.382 फिबोनाची पे या इस पे, तो हम फिर से बाइंग करेंगे इस पोजीशन में। लेकिन अगर एग्जिट नहीं हुए और स्टॉप लॉस अपनी कॉस्ट पे ले लिया है
तो हम इसको राइट कर सकते हैं प्रॉफिट को एक बड़े टारगेट के लिए। अब देखें, देखिए कहीं भी कोई भी गिरावट का साइन नहीं है और इसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए हमें कितने बड़े टारगेट दिखाई दे सकते हैं। 4000 से 5000 रुपीस तक का प्रॉफिट हमें एक सिंगल ट्रेड में दिखाई दे रहा है, जबकि स्टॉप लॉस हमारा था केवल 750 रुपीस का। तो इस तरह से ये कंप्लीट स्ट्रेटेजी हम वर्कआउट कर सकते हैं। अभी हमने दो बाइंग के ट्रेड देखे, अब हम शॉर्ट ट्रेड में देखते हैं कि इसे किस तरह यूज करना है हमको। शॉर्ट पोजीशन के लिए देखेंगे हम, RSI द्वारा एक फ्रेश सिग्नल दिया गया, ओवरसोल्ड जोन हो गया, देखिए 30 के नीचे चला गया रेड लाइन के नीचे। उसके बाद दूसरा ये एंगल फिन इंडिकेटर जो है, इसने भी एक शॉर्ट पोजीशन बनाई। और अब देखते हैं, देखिए ये लोअर लो, अब फिबोनाची लेवल पे हम इस पे फिबोनाची डालेंगे, हायर हाई से लोअर लो की तरफ यहाँ पे क्लिक करके और नीचे की तरफ फिबोनाची खींचेंगे और लोअर लो कैंडल की तरफ वहां तक डालेंगे। अब देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्लियर कट दिखाई दे रहा है 0.382 के ऊपर और 0.618 के ऊपर नहीं जा रहा है प्राइस, बार बार यहाँ से रिजेक्शन हो रहा है इस लेवल से। तो अगर इसके नीचे कोई कैंडल बनती है और एंगल फिन द्वारा हमें सेल सिग्नल दिया जाता है तो वहां पे हम एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। क्योंकि ये तीसरी वाली कैंडल ने भी शॉर्ट सिग्नल दिया और ये वाली कैंडल इसके ऊपर नहीं गई इस लेवल के, तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे और स्टॉप लॉस रखेंगे ये वाले RSI के लेवल पे 0.382 पे और टारगेट वही 1:2। एक शॉर्ट पोजीशन है और टारगेट रखेंगे 1:2 का। ओके, अब देखिए हमने सेट टारगेट सेट कर दिया है शॉर्ट की पोजीशन के लिए। अब देखते हैं मार्केट ने इस ट्रेड को किस तरह परफॉर्म किया है। ट्रेड हमारा बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है, देखिए शायद मार्केट ने हमारे टारगेट को कम्प्लीटली हिट कर दिया है यहाँ पर। तो इस शॉर्ट की कंडीशन भी हमने देखी, तीनों ही बल्कि तीन इंडिकेटर और फिबोनाची के द्वारा हमने ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए, जहां से हमारे फिबोनाची रिट्रेसमेंट हो रहा है उसको कंफर्मेशन के बाद ही हमें शॉर्ट या लॉन्ग ट्रेड लेनी है। देखिए सिमिलरली इस ट्रेड में RSI द्वारा एक ओवरसोल्ड दिया गया, उसके बाद रिवर्स हुआ RSI सिग्नल और प्राइस ऊपर की तरफ गया, लेकिन ये जो फिबोनाची का लेवल है 0.382 इसको क्रॉस नहीं किया है, यहां से रिजेक्शन हुआ है। तो यहां पे हम अगर शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं चाहे तो। देखिए अगर इसको देखें, ये एंगल फिन द्वारा सेल्स की कैंडल बन गई है, तो यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट, स्टॉप लॉस इसी लेवल के आसपास और टारगेट बड़ा 1:2.5 का है, 1:2 का भी रख सकते हैं। अब देखें प्राइस बिल्कुल हमारे परफेक्टली चल रहा है ट्रेंड के अकॉर्डिंग। देखो द्वारा हायर हाई भी बना तब भी प्राइस ने उस लेवल को क्रॉस नहीं किया और हमारे टारगेट को कम्प्लीटली यहाँ पे हिट कर दिया है। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, वैसे तो अभी तक कर ही दिया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप सेफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग।